अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलूफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं परभनी के बावर्ची की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है मटन तहारी की। ये बहुत ही मशहूर है और मज़ेदार बनती है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप इसी तरह से बनाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। इसे हमने 1 किलो मटन से बनाया है तो ये 1 किलो की रेसिपी है। आप उस हिसाब से जितनी चाहे उतनी तहारी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त में हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया था, नमक हमने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था और आधी मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी थी। और इसके बाद हमने इसे अच्छे से गला लिया है। आप गोश्त को जिस तरह से चाहें गला लें, चाहे तो कुकर में गला लें या पतीले में, इसे साइड में रख दें। अब हमने एक मोटा पतीले का इस्तेमाल करना है तहारी बनाने के लिए। इसमें हमें जो 250 ml का कप है, 1 कप ऑयल ऐड करना है, सनफ्लावर ऑयल है, और इसी के साथ 1/4 कप ऑयल और ऐड करना है और इसे अच्छे से गर्म कर लें। इतना ऑयल काफ़ी होगा। अब इसमें हमें प्याज ऐड करना है तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से पतला पतला लंबाई में काट लें और ऐड करें। कुछ 300 ग्राम की इतनी प्याज होती है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसी बीच हम इसमें कुछ गर्म मसाले ऐड करेंगे। तो गर्म मसालों में हमें सिर्फ ज़ीरा, हरी इलायची और दालचीनी ऐड करना है। तो ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 10 हरी इलायची ली है और 4 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, उसे ऐड कर दिया। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 4 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 4 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट ऐड करें। अच्छा, 10 हरी मिर्चों को ना हमने इसके साथ ही पीस लिया था और इन तीनों मसालों को हम साथ में ही भून लेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन जो है अच्छी तरह से भून चुका है, तेल जो है पूरा ऊपर आ गया है। जब अब हमने इसमें ऐड करना है टमाटर, तो हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह से पतला पतला काट लिया था, इसे ऐड कर दें। और अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक जो टमाटर है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो करीब 300 ग्राम के इतना ये टमाटर है। इसके बाद हम इसे अच्छे से भून रहे हैं, आँच को तेज़ रखा है, बीच बीच में चम्मच चला देंगे। इसके बाद हम इसमें साबित हरी मिर्चें ऐड करेंगे। जब नरम हो जाएंगे ना टमाटर, तो जो हरी मिर्चें हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी तो हमने 15 ऐड कर दी, आप 10 ऐड कर सकते हैं। हमने मिर्चों के बीच में कट लगा दिया था। इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून के इतनी कसूरी मेथी ऐड कर दी और इसे अच्छे से भून लेंगे हम। इसी के साथ इसमें 1 कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, देसी हरा धनिया ऐड करें। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे जिसे हमने गला कर रखा था, और इसमें जो थोड़ा सा पानी होगा उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे तेज़ आंच पर। इसे भूनते हुए कुछ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो 1 किलो चावल हमने इस्तेमाल किए हैं, कोलम चावल है ये, और हम इसे कोलम चावल से ही बना रहे हैं। इसे हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया और इसके बाद ऐड कर दिया। इसी के साथ इसमें हमें मसूर की दाल ऐड कर देना है। 1/2 कप हमने मसूर की दाल ऐड करना है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो 250 ml का कप है ना, उसी से 1/2 कप हमने ऐड किया है। हम वापस बता दें कि ये हम 1 किलो की तहारी बना रहे हैं, यानी कि 1 किलो चावल और 1 किलो मटन की तहारी है ये। चावलों को ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि उंगलियों की 2 पोर या 1.5 पोर इसमें डूब जाए। अगर आपको थोड़े से नरम चावल बनाना है तो उंगलियों की 2 पोर तक डुबो दें, और अगर थोड़े से खुले खुले चावल बनाना है तो उंगली की 1.5 पोर काफ़ी होंगी, यानी कि चावलों के ऊपर इतना ही पानी होना चाहिए। तो अगर आप 100 किलो भी चावल बनाएंगे ना तो भी परफेक्ट बनेंगे। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून के इतना नमक ऐड किया था, और याद रहे कि हमने मटन को गलाते वक्त भी नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करें, या आप अपने स्वाद अनुसार भी नमक ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद हमने इसे बॉईल होने दिया और इसे अब हम ढककर पकाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच भी चला देंगे। अब जो चावलों का पानी है वो सूख चुका है, अब हमने इसे दम पे रख देना है। तो इस पर हम ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर दम पर रख देंगे इसे। 10 से 15 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे ना, तो ये तहारी जो है तैयार हो चुकी होगी। इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करें पापड़ के साथ, अचार के साथ और कचुम्बर के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और एक बार इस तहारी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मशहूर तहारी है। तो आप जब भी इसे बनाएं ना, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ आगे भी शेयर करते जाएंगे। तो चाहे रेस्टोरेंट की हो, बावर्ची की हो या ढाबा की, सारी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे और ओरिजिनल रेसिपीज़ होंगी। तो जो नए देख रहे हैं ना, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।